वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस करना, जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में एक नया सब्जेक्ट आया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। ज़्यादातर इसमें टैली का पोर्शन है, तो इसके एमसीक्यू कैसे आने वाले हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस टैली के रिगार्डिंग, टैली कैसे काम करती है, कौन इसका फाउंडर है, कौन इसके डेवलपर्स हैं, तो इन सब इनके सब क्वेश्चंस पे बेस्ड हमारा ये चैप्टर हमारा ये आया है। दैट इज़ द फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड फॉर बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सेकंड सेम। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टैली? सबसे पहली बात तो आप सॉफ्टवेयर सभी पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर है टैली। तो फर्स्ट वन इज़ द स्टैटिस्टिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज, ऑल ऑफ दीज। तो सभी को पता चल जाएगा अकाउंटिंग के लिए तो अकाउंटिंग पैकेज है ये। टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, अब टैली पैकेज जो डेवलप कराया गया था वो टैली सॉल्यूशन द्वारा कराया गया था, और टैली सॉल्यूशन को किसने डेवलप करा था? पियोट्रॉनिक्स ने। तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बहुत जगह आपको इसमें कभी कभी ए ऑप्शंस करेक्ट मिलेगा, कभी आपको बी मिलेगा, आप इंटरनेट पे चेक करना। वैसे इसका सही आंसर टैली सॉल्यूशंस होना चाहिए, तो दैट्स द टैली सॉल्यूशन। टैली को वैसे और डेवलप करा था आप देखेंगे 1989 में श्याम सुंदर जी ने भारत के साथ मिलके, तो आप ये चेक कर लेना, आपको बाकी सब ऑप्शंस जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग तो टैली सॉल्यूशंस बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर आप पहले बार टैली को स्टार्ट करते हैं तो पहली फर्स्ट विंडो क्या होती, कौन से मेन्यू अपीयर होते हैं? तो गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले, नन ऑफ दिस। तो वो होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन, हमेशा ध्यान रखेंगे आपका एक कंपनी इन्फॉर्मेशन का बॉक्स आ जाता है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली पैकेज क्या चल रहा है इस समय? तो इसके बाद भी कोई आ चुका हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 5.5.2 इन ऑप्शंस में जो लेटेस्ट वर्जन है 5.5.2। ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ टैली वाज, तो इसमें ओल्डेस्ट वर्जन दे ही नहीं रखा, नन ऑफ दीज। ये लेटेस्ट वर्जन से विच ऑप्शन इज यूज इन टैली टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड कंपनी? अगर आपने कोई कंपनी क्रिएट कर रखी है तो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे? तो उसमें चेंजेस करने के लिए आप देखिएगा सेलेक्ट कंपनी करते हैं, शट कंपनी करते हैं, अल्टर या नन ऑफ दिस। तो अल्टर इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्टर करेंगे हम और चेंज हो जाएगा। विच ऑप्शन फ्रॉम द कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू इज सेलेक्टेड टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली? अगर आपको कोई न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी करते हैं या कंपनी क्रिएट करते हैं या क्रिएट करते हैं या न्यू कंपनी करते हैं? तो ऑप्शन इज करेक्ट इज द क्रिएट कंपनी, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू टू डिवाइड कंपनी डेटा इन टू फाइनेंशियल ईयर? तो कैसे करते हैं हम, चेंज टैली वॉल्ट, अल्टर, स्प्लिट कंपनी डेटा या न्यू कंपनी करके? तो इसमें होता है स्प्लिट कंपनी डेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी कंपनी डेटा इनटू पेन ड्राइव? अगर आपको कॉपी कंपनी डेटा का कोई पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, सीडी डीवीडी वगैरह में? तो बैकअप करते हैं, रिस्टोर करते हैं, स्प्लिट कंपनी डेटा या कॉपी डेटा? तो वो होता है बैकअप, ए इज द करेक्ट आंसर। Which option is used to place data taken in pen drive or CD to appropriate place in tally? तो आप data को कैसे pen drive से लेंगे, तो वो होता है restore, B is the correct answer. How many type of company can be created in tally? कितने type की हम company create कर सकते हैं? तो वो होती है दो type की हम company create कर सकते हैं। Which option is used in tally to close open company? To close open company, अगर आपको close करनी तो alter करते हैं, shut company करते हैं, create company या select company? तो shut company। Which shortcut key is used to take print of any report in tally? अगर कोई आपको report print करानी है tally के अंदर तो आप क्या लगाएंगे, control P, shift P, alt P या alt control P? तो alt P is the correct answer।
विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपोर्ट डेटा ऑफ एनी कंपनी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और इन एनी अदर कंपनी? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी की जरूरत पड़ेगी? तो ऑल्ट ई. विच शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर सेलेक्ट कंपनी इन टैली? तो कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है यूज फॉर सेलेक्ट कंपनी करने के लिए? तो वो होता है आपका F3. विच शॉर्टकट की इज यूज टू शट ओपन कंपनी इन टैली? तो आप शट ओपन कंपनी इन टैली के लिए क्या करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो ऑल्ट F1 की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट की हैं ये सारी, यूज़ करी जाती हैं. विच शॉर्टकट की यूज टू चेंज करेंट पीरियड इन टैली? तो वो आपको ये नोट डाउन कर लें कहीं पे, ऑल्ट F2. ऑल्ट F2 शॉर्टकट की. विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी व्हेन मोर देन वन कंपनीज आर ओपन? एक से ज़्यादा कंपनी ओपन है और एक कंपनी से दूसरे कंपनी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन, शट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी या कंपनी? तो वो हो जाएगा शट कंपनी. विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली? कैसे हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं? तो ऑल्ट F3 से करते हैं. विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू व्यू फीचर्स इन टैली? अगर आपको फीचर्स देखने हैं तो वो होते हैं F11 की से. विच शॉर्टकट की यूज टू व्यू कन्फिगर इन टैली? कन्फिग्रेशन देखना है, व्यू कन्फिगर, तो वो F12 से. विच मैन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स इन टैली? रिपोर्ट से, इम्पोर्ट से, ट्रांजेक्शन से, मास्टर से? तो वो होता है मास्टर्स से. विच सब मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर्स ग्रुप एंड वाउचर्स टाइप्स इन टैली? तो वो होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री. तो वो करेक्ट आंसर है अकाउंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू. विथ हाउ मैनी टाइप लेजर ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स कैन बी क्रिएटेड? कितने टाइप्स के हम क्रिएट कर सकते हैं? तो वो आंसर होता है 2 टाइप्स के. विच सब मैन्यू इज यूज फॉर वाउचर एंट्री इन टैली? वाउचर की एंट्री के लिए कौन सा सब मैन्यू यूज़ करा जाता है? ए वाउचर, अकाउंट वाउचर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज. तो वो होता है अकाउंट वाउचर्स. विच ऑप्शन इज यूज टू एग्जिट टैली? बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो क्विट करना पड़ेगा. सी इज द करेक्ट आंसर. सैलरी अकाउंट कम्स अंडर द विच हेड? सैलरी अकाउंट होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. बी इज द करेक्ट आंसर. हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली? कितने ग्रुप्स आपके प्री डिफाइंड है टैली के अंदर? तो वो है 28. हाउ मैनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली? तो वो होते हैं 15 प्राइमरी ग्रुप्स. हाउ मैनी सेकेंडरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली? तो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं आपके 13. विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू लिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इन टैली? कैसे हम देख पाते हैं, कौन से ऑप्शन से देखेंगे? लिस्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स लिस्ट, नन ऑफ दीज. तो वो होगा लिस्ट ऑफ अकाउंट से. विच लेजर इज क्रिएटेड बाई टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट ए न्यू कंपनी? तो वो कैसा होता है? ऑप्शन इज कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी बोथ. तो ए कैश से भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हो सकता है. विच ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड ग्रुप ऑफ लेजर इन टैली? कैसे हम चेंज करेंगे? तो वो होता है ऑल्टर से. हाउ मैनी वाउचर टाइप्स आर रीडली अवेलेबल इन टैली? रीडली अवेलेबल इन टैली, तो वो कितने वाउचर हैं? तो वो है 18 इज द करेक्ट आंसर. हाउ मैनी वाउचर्स टाइप्स आर प्रोवाइडेड इन टैली टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के लिए कितने वाउचर्स यूज होते हैं? 2. विच की इज प्रेस टू पोस्ट एंट्रीज इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टीड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इन टैली? ERP 9. तो वह है F12. विच वाउचर टाइप इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर? एक बैंक से दूसरे अकाउंट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा वाउचर यूज होता है? कॉन्ट्रा. ₹10,000 withdraw from SBI in which voucher type of the transaction of this transaction will be recorded? payment में, receipt में, contra या post dated? तो वो हो जाएगा आपका
कॉन्ट्रा वेयर वी डू वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सैलरी रेंट और इंटरेस्ट पेड वेयर डू वी रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं आपके पेमेंट में. वेयर डू वी रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड इन टैली तो वो कॉन्ट्रा के थ्रू है पेमेंट के थ्रू पेमेंट के थ्रू ऑप्शन इज करेक्ट. वेयर डू वी रिकॉर्ड कैश सेल्स इन टैली कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं कैश सेल्स टैली तो वो होता है रिसिप्ट. वेयर डू वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इन टैली क्रेडिट और परचेज कहाँ ऑफ कहाँ लिखते हैं टैली में तो जर्नल के अंदर. दी इज द करेक्ट आंसर. वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न डेप्रिशिएशन बैड डेबिट्स ईटीसी इन टैली तो वो कहाँ नोट डाउन होता है जर्नल. वेयर डू वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो आप कौन सी की यूज़ करते हैं F7 जर्नल. विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड एंड देन यस इज गिवन इन यूज डेबिट क्रेडिट नोटेड टू पोस्ट एंट्री इन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इन टैली तो इसका करेक्ट आंसर है F11. इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट परचेज एंट्री इज पोस्टेड इन टैली F5 पेमेंट में जाएगी F7 जनरल F9 परचेज और F6 रिसिप्ट तो F9 परचेज. इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है तो A पेमेंट रिसिप्ट जनरल सेल्स F8 सेल्स में. विच शॉर्टकट की इज यूज इन कंपनी फीचर्स स्क्रीन टू यूज अकाउंटिंग फीचर इन टैली तो वो होता है F1 से. विच शॉर्टकट की यूज फॉर कंपनी फीचर्स स्क्रीन टू यूज इन्वेंट्री फीचर्स इन टैली तो उसके लिए करेक्ट आंसर है F2. विच शॉर्टकट की यूज इन कंपनी फीचर्स स्क्रीन टू यूज स्टैट्यूटरी टैक्सेशन इन टैली तो उसके लिए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन F3. तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. इसमें हमने बहुत सारी शॉर्टकट कीज ली है. आप इन शॉर्टकट कीज को पेपर पे लिख लें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर में पूछी जाती हैं. तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन.